नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा राज्य के कटक नामक नगर में हुआ था। इनके पिता श्री जानकीनाथ बोस एवं माता प्रभावती थी। कौन जानता था कि ये नन्हा सुभाष बड़ा होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनेगा, जो अपनी भारत माता की स्वतंत्रता एवं रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगा। सुभाष बाबू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल और रावनशाह कॉलेजिएट स्कूल में पूरी की। लगभग इसी समय सुभाष बाबू के जीवन पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव पड़ा। वो गरीबों के घरों में जाकर उनकी यथासंभव सहायता किया करते थे। कहा गया है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इनमें बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा दिखने लगी थी। मैट्रिक पास करने के बाद सुभाष बाबू प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने लगे, साथ ही यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर में भी भर्ती हुए। 15 सितंबर 1919 को वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इंग्लैंड में अपने पिता के आदेशानुसार ICS की तैयारी करने लगे और सफलता हासिल करने के बाद 1921 ईस्वी में वापस हिंदुस्तान आए। कलेक्टर के पद को ठुकराकर सुभाष बाबू ने देश सेवा का संकल्प लिया और कलकत्ता के नामी वकील देशबंधु चितरंजन दास को अपना गुरु बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1921 ईस्वी में ही सुभाष बाबू भी अपने गुरु के साथ पहली बार गिरफ्तार हुए और 1941 ईस्वी तक 11 बार जेल गए। इसी बीच सुभाष बाबू ने कांग्रेस स्वयंसेवक सेना के कमांडर, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष और कलकत्ता नगर निगम के मेयर पद को भी सुशोभित किया। फिर ब्रिटिश सरकार के विरोध में एवं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के समर्थन में विभिन्न यूरोपीय देशों का दौरा करते हुए 1933 ईस्वी में बर्लिन पहुंचे और भाषण दिया। 1935 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद सुभाष बाबू शोकाकुल हो गए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की सभा में नेहरू, किरपलानी, सरोजनी नायडू, पटेल आदि प्रमुख नेताओं के साथ सुभाष बाबू ने कलकत्ता के उडबर्न पार्क में भाग लिया। फिर कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में हरिपुरा में उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया और 1939 में ही हरिपुरा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए सुभाष बाबू ने देश विदेश के संपूर्ण राजनीति की चर्चा करते हुए अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय संग्राम शुरू करने का आह्वान किया, साथ ही गांधी जी से विचार विमर्श भी किया। अधिवेशन से लौटने के बाद कलकत्ता में लोगों की अपार भीड़ ने सुभाष बाबू का अभिनंदन किया। 1939 ईस्वी में कांग्रेस गोष्ठी षड्यंत्र के प्रतिवाद स्वरूप सुभाष बाबू ने अपने सभापति पद को त्याग दिया। इसी वर्ष उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1940 ईस्वी में रामगढ़ विरोधी सम्मेलन में पूरे जोश खरोश के साथ झंडा फहराया। इसी प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार के लिए दिल्ली प्रस्थान किए। फलस्वरूप सुभाष बाबू को सैकड़ों अनुयायियों के साथ गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया, जहां वो किसी से नहीं मिलते थे, केवल कुछ विश्वास पात्र लोगों से ही मिला करते थे, जिनमें शेरेमा, भाई शरद बोस और मेयर सिद्दीकी प्रमुख थे। जनवरी 1941 ईस्वी में पूरे देश में आग की तरह खबर फैल गई कि सुभाष बाबू घर से एकाएक गायब हो गए हैं। सुभाष बाबू भेष बदलकर पेशावर होते हुए काबुल, फिर रोम और बर्लिन पहुंचे। मिस्टर क्रोगनर के नाम से जर्मनी में प्रवेश किया और पनडुब्बी से सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आजाद फौज के नेतृत्व का भार राजबिहारी बोस ने सुभाष बाबू को सौंपा। अब सुभाष बाबू आजाद हिंद फौज के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की तैयारी में लग गए और हिंदुस्तानियों को अंतिम मुक्ति युद्ध अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। सिंगापुर में झंडा फहराया और आजाद हिंद सरकार का विधिवत गठन किया, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक स्त्रियों की सैनिक टुकड़ी भी थी, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। सुभाष बाबू से बाल सेना के किशोर योद्धा अस्त्र ग्रहण कर देश की आजादी के लिए
आत्मसंकल्प किया। आजाद हिंद सरकार की स्थापना के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 9 देशों ने इस सरकार को स्वीकार कर लिया। फौज युद्ध करती हुई आगे बढ़ती चली गई और कई जगह भारत की सीमाओं में घुसकर तिरंगा झंडा फहराकर आजादी घोषित की गई। इस तरह पूरे देश में आजादी की एक लहर दौड़ गई। ये सुभाष बाबू की अंतिम तस्वीर है जिसमें वो सिंगापुर में हवाई जहाज से उतर रहे हैं। इसके बाद उनकी कोई भी तस्वीर उपलब्ध नहीं है क्योंकि 17 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से रवाना हुए और इसके बाद 22 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने यह दुखद समाचार सुनाया कि हवाई दुर्घटना में नेताजी का निधन हो गया। एक बात जानते हो, नेताजी के साथ जिन लोगों ने काम किया उनमें बहुतों हमारे राज्य बिहार के भी थे। आओ उनसे नेताजी के विषय में कुछ जाने। देखो, आज हम आप लोगों को नेताजी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पहली दफे मैंने नेताजी को 1943 में देखा था। नेताजी देखने में बहुत लंबे चौड़े बड़ा शेर की तरह उनका मुंह होता था। उन्होंने पहली दफे जब वो सिंगापुर आए थे तो हमने उनको देखा था। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल की थी। मैं भी फौजी अफसर था इंडियन आर्मी में। नेताजी ने क्या किया? नेताजी ने हमारे आँख को खोल दिया। नेताजी ने कहा कि देखो, देश आज हमारा गुलाम है और गुलाम होने में तुम उनको मदद करते हो। जब जनता खड़ी होती है आजादी के लिए तो ब्रिटिश ऑर्डर देते हैं गोली मारने के लिए और वो फौजी को और पुलिस को लाते हैं। और यही नहीं, तुमको वो बाहर भेजते हैं, मलाया भेजते हैं, सिंगापुर भेजते हैं, थाईलैंड भेजते हैं, इधर ईरान इराक भेजते हैं, तो उन लोगों को भी तुम गुलाम बनाओ। जब नेताजी ने ये कहा तो फौजी आदमी जो है वो सीधा साधा होता है, उसका आंख खुल गया। उसने कहा, भाई अंग्रेज तो अभी तक हमको बेवकूफ बना रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मेरा संपर्क 1938 में हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन के समय में हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ। उसके बाद हम नेताजी के नजदीक हो गए और नेताजी के समाजवादी विचार, प्रगतिशील कार्य और देश में शोषित गरीब जनता को राहत देने के लिए देश में समाजवादी सरकार बनाने की उनकी नीति मुझे पसंद आई और मैं उनके साथ हो गया। विद्यार्थियों को ये बराबर कहा करते थे, आज के विद्यार्थी है बिहार का नागरिक होगा और परसों का वो देश का मालिक होगा। देश की हर चीज को उसको जानना चाहिए, हर चीज को समझना चाहिए और देश की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है जब तक विद्यार्थी और युवक उसमें शामिल नहीं होंगे, नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था कि करो सब निछावर, बनो सब फकीर, तभी तुम्हारे देश की आजादी होगी। तुम खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज उसी का बलिदान फल है कि देश आजाद हुआ। अंग्रेज असर पर आके हिंदुस्तान में अब हम शासन नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तानी बगावत पर टूट गए हैं। बच्चों, एक बात जानते हो, जब आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था उस समय एक गाना भी बना था, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, जिंदगी है कौम की, कौम पर निभाए जाओ। ये गाना सुनकर आजाद हिंद फौज के नौजवान जोश और खुशी के साथ आखिरी दम तक लड़ते रहे।